अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला और ये वीडियो उन सब लोगों को डेडिकेटेड है जो बहुत अरसे से एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को एडिक्टेड है, जो जंक के बगैर रह नहीं सकते, जिनको वर्जिश की आदत नहीं है लेकिन वो जानते हैं कि वो गलती कर रहे हैं और वो अब अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाने से डर रहे हैं या उनसे हो नहीं रही है। यू डोंट नीड टू बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जिनसे आपने स्टार्ट करनी है योर जर्नी टुवर्ड्स अ हेल्दी, टुवर्ड्स एन एक्टिव लाइफस्टाइल। नंबर 1, आपने एक बड़ा बोल लेना है फ्रेश सैलेड का 4 times a week, और बड़े बोल से मुराद है कि उसमें 4 छोटे छोटे कप शामिल होने चाहिए। हर कप में आपके पास एक डिफरेंट तरह की सब्जी होनी चाहिए और डिफरेंट रंग की सब्जी होनी चाहिए। 4 आपने डिफरेंट रंगों की सब्जियां लेनी है, 4 तरह की सब्जियां लेनी है। हफ्ते में आपने 4 बार ये बोल ऑफ सैलेड लेना है। स्टार्ट आपने यहां से करना है। इसकी रीजन आपके पास ये है कि जो डिफरेंट वेजिटेबल होते हैं, हर एक का डिफरेंट रंग, उसमें डिफरेंट तरह के डिजीज फाइटिंग केमिकल मौजूद होने की वजह से, जिसको फाइटोकेमिकल और फ्लेवोनॉइड कहते हैं, उसकी वजह से होता है। अब क्योंकि यहां पर हम सारी वेजिटेबल ऑयल्स वाली सैलेड ड्रेसिंग्स अवॉइड करना चाहते हैं, तो मुश्किल है कि इस तरह का सैलेड आपको रेस्टोरेंट से या बाजार से मिले। हो सकता है आपको खुद बनाना पड़े, बट दिस इज द चेंज नंबर 1। चेंज नंबर 2, बोन ब्रॉथ पर मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर सहर चावला पर बहुत वीडियोस कर चुकी हूं, और बोन ब्रॉथ में अब से आपने अपना हर खाना पकाना है। हर खाना अब आपने अपने डेली हांडी जो है हड्डियों की, देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी से, या फिर बीफ की हड्डियों की यखनी से, या फिर बकरे की हड्डियों की यखनी से बनानी है, ताकि आप उससे अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग फायदे जो हैं वो हासिल कर सकें। नंबर 3, ग्रास फेड डेयरी का एक आइटम डेली आपने अपनी डाइट में लेना है। इसमें हमारे पास जो लोग लैक्टिस टॉलरेंट है, गाय का दूध भी आ जाता है, बकरे का दूध भी आ जाता है, इसमें हमारे पास मलाई भी आ जाती है, इसमें हमारे पास मक्खन भी आ जाता है, इसमें हमारे पास देसी घी भी आ जाता है, इसमें हमारे पास घर का बना हुआ पनीर भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपके पास ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ग्रास फेड होनी चाहिए, घर की बनी हो, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। चेंज नंबर 4, एक प्रोबायोटिक का सोर्स आपने डेली लेना है। सबसे हैंडी सोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारे पास दही, या घर का बना हुआ दही, या बाजार का नॉन फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट, जो कि एक्टिव कल्चर से आपके पास इन्फिल्ट्रेटेड हो, ताकि आपकी बॉडी को उसके इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट्स मिलें, आपका जो गट है वो खुद को हील करना शुरू करे। वो लोग जो घर में अचार डालते हैं उनको बता दूं कि वो भी आपके पास प्रोबायोटिक होता है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो लोग जो सावरक्राउट, किमची और टोफू, इन सब के कॉन्सेप्ट से जो है वो वाकिफ़ हैं और YouTube पर इसको कुक करने की वीडियोस देखना चाहते हैं, इट इज़ एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड प्रोटीन, वो डेली अब इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज नंबर 5, आपने हफ्ते में एक दिन ऑर्गन मीट की एक सर्विंग लेनी है, अराउंड 100 to 200 ग्राम। इसमें अगर आप इंतखाब करते हैं बीफ लिवर का तो इट विल बी द मोस्ट न्यूट्रिशियस थिंग, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी ऑर्गन मीट का इंतखाब करते हैं तो वो आपके पास इम्यून बूस्टिंग विटामिंस और मिनरल्स से लोडेड है। अगर आप ऑर्गन मीट नहीं ले सकते तो हफ्ते में 3 बार डिनर में आप फैटी फिश जो है वो खाना शुरू कर दें, लेकिन तल के नहीं, उसको आपने बेक करके खाना है। और अगर ये दोनों नहीं ले सकते तो अब से आपने दिन में 2 whole अंडे लेने हैं और जर्दी के साथ लेने हैं, और अगर उनको फ्राई करते हैं तो जर्दी को बिल्कुल सख्त नहीं करना, जर्दी थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। उसका रीजन यह है, योक रनी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसको सख्त कर देते हैं उसमें जो मौजूद कैरेटिनॉइड्स होते हैं, जो डिजीज फाइटिंग केमिकल्स होते हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। वो लोग जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन 5 चेंजेस को स्टार्ट करें 1 महीने के लिए, उसके बाद आपको आगे आगे चेंजेस बताएंगे। आई विल सी यू ऑल अगेन वेरी सून, टेक केयर।